देने के उद्देश्य से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टेम रेवो को सहयोग से विज्ञान भारती ब्रह्मावत इंटर स्टेट साइंस एंड टिकरिंग फेस्ट ओपन स्कूल का इवेंट का आयोजन किया गया और पहली बार कानपुर आईआईटी का 25 जनवरी को होने वाले डायमंड जुबली समारोह में ओपन हाउस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। ये जानकारी कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर अभय करंदकर और विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य वरिष्ठ स्कूली छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी करियर के प्रति प्रेरित करना है। ओपन हाउस कार्यक्रम के तहत छात्रों को आईआईटी की प्रयोगशालाओं के दौरे के साथ आईआईटीएम से बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। ओपन हाउस करने जा रहे हैं, विज्ञान भारती के साथ मिलकर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार स्कूली बच्चों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के एक्चुअली दो भाग हैं। एक भाग में तो करीब 1 हज़ार स्कूली बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के लगे जो राज्य हैं उनके जिलों के स्कूली बच्चे यहाँ पर आएंगे और अपने जो उन्होंने जैसा कि बताया गया अभी कि अपने जो इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं और उनके जो नवाचार के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जिबिट करेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हैं जिनमें स्कूली जो शिक्षक हैं उनके और सीबीएसई एनसीईआरटी और नीति आयोग से भी जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनके साथ विचार विमर्श होगा। उसके अलावा आईआईटी के जो लैब्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी एक डिस्प्ले और एग्जीबिशन होगा। दो बातें मैंने बताई, जैसे यहाँ पर एक नवाचार करने वाले छात्रों को लेकर आने का प्रयास हम कर रहे हैं। नवाचार करने वाले छात्रों के पास एक अद्भुत क्षमता रहती है, तो ऐसे सारे बच्चों को एक मंच देने का कार्यक्रम ये हमने बनाया है। हमें विश्वास है कि वो बच्चे जब आईआईटी में आएंगे तब आईआईटी जैसे अपने देश के प्रतिष्ठित संस्थान में उनको एक अलग प्रकार का विश्वास और प्रेरणा मिलेगी। और उसके साथ साथ हमारी और एक मन के अंदर बात है कि यहाँ पर ऐसे सारे बच्चों को एक अच्छी मेंटरशिप भी यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। इस कार्यक्रम के दौरान एक दिन भर रहेंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के कारण उनके मन के अंदर और कुछ नई बातें करने के बीज डाले जाते हैं। ये ऐसे इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण लाभ